गुड मॉर्निंग फोक्स, और एक और दिन की शुरुआत अपनी राजस्थान ट्रिप की ये ब्रेकफास्ट से। तो ये जी एक इजरायली ब्रेकफास्ट, इसका नाम है शाकसुका। तो वो अभी ट्राई कर रहा हूँ, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। वाइफ खा रही है पोहा और बच्चे खा रहे हैं ग्रिल्ड सैंडविच, और दो कॉफ़ी आना भी बाकी है, चाय आना बाकी है। तो जी आज कल हम लोगों ने उदयपुर की लिटरली चप्पे चप्पे छान मारे, ठीक है। ऑलमोस्ट सब जगह गए हैं, दो चार स्पॉट को छोड़ के, वो हम लोग कल कवर कर लेंगे। आज चल रहे हैं हम लोग चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ यहाँ से पड़ता है अबाउट 110 किलोमीटर्स, और सवा दो घंटे की जर्नी होगी। तो आज हम लोग ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके चित्तौड़गढ़ जाएंगे, चित्तौड़गढ़ की फोर्ट देखेंगे और दो चार चीज़ वहाँ पे जो है देखने लायक वो देखेंगे। देखने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे होटल पे। हाँ, हमको थोड़ी बहुत आपकी इधर उधर सैर सपाटा के लिए निकल सकते हैं। तो दैट्स व्हाट द प्लान इज ऑल अबाउट टुडे। ये देखो भाई, वो पहाड़ दिख रहा है, क्या मस्त लग रहा है। तो बेसिकली द लेक इज समवेयर हियर, लेक पिचोला, और बाकी ये है रूफटॉप रेस्टोरेंट। कुछ ऐसा एम्बियंस है इसका, और ये आगे अपने ऑमलेट, पता नहीं कितना खा पू के कैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे। एनीवेज जल्दी से ब्रेकफास्ट करते ख़त्म और मिलता हूँ रोड पे। वैसे ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आगे गाड़ी पे। ओके जी, तो अभी हम लोगों को ऑटो वाले भैया छोड़ देंगे पार्किंग तक, और फिर गाड़ी से हम लोग को जाना ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अपनी जर्नी हो चुकी है शुरू, और अभी भी हम लोगों को चलना है 115 किलोमीटर के करीब, और अभी टाइम हो गया है 9:55, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो जाने में अपने को टाइम लगेगा ऑलमोस्ट अबाउट 1 आवर 55 मिनट्स बता रहा है, तो 2 घंटा। तो और रास्ता बिल्कुल हाईवे है ऐसे, तो होटल वाले भैया बोल रहे थे, पता नहीं आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या है रास्ता। बट ओवरऑल ऑल चार्ज्ड अप फॉर चित्तौड़गढ़। और ठंडी ना गाड़ी में समझ में नहीं आती, लेकिन बस बाहर थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो ठंडी है थोड़ी सी। गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है, इसको भी साफ सफाई करना पड़ेगा। तो एनीवेज आगे हाईवे पे उठ के बात करते हैं। ओके, सो रास्ते तो यार आप देख ही सकते हो, पूरा 6 लेन चक्का चक रास्ता बना हुआ है चित्तौड़गढ़ तक, ठीक है। और अभी ऋषि फ्रंट सीट पे बैठा है और बदमाशी कर रहा है। तो चित्तौड़गढ़ अभी रह गया है 95 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अभी कितना है, 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे चित्तौड़गढ़, फिर फोर्ट शोर्ट थोड़ी घूमेंगे घूम घाम के, शाम तक वापस आ जाएंगे। दैट्स द प्लान। और भाई रास्ते ऐसे हो ना तो ड्राइविंग का मज़ा भी और है। और हम लोगों ने ट्रिप प्लान भी ऐसा किया था, देखो हम लोगों ने हम परसों पहुँचे थे उदयपुर, राइट। तो कल हम लोग जैसे थे ऑटो शॉटो लेके ही घूम लिए, ठीक है, क्योंकि उदयपुर में देखो गाड़ी लेके आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो या फिर आप रेंटल बाइक ले लो, ठीक है। तो बेसिकली छोटी गाड़ी से घूमना है, क्योंकि सड़कें बहुत, उदयपुर का जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सभी ओल्ड सिटी में है, और ओल्ड सिटी यानी कि भाई वो जो पतली पतली गलियां होती है ना वैसी टाइप की सड़कें है इधर, ठीक है। तो वो वहाँ तो आप गाड़ी लेके नहीं चल सकते, राइट। आई मीन फॉरगेट अबाउट एक्सयूवी एंड ऑल, सो यू कैनॉट इवन टेक योर स्मॉल वैगनर एंड ऑल, तो वो भी लेके जाना बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटर इज़ दैट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर उदयपुर सेल्फ ड्राइव, आप आओ इधर एटलीस्ट साइट सींग के लिए, उदयपुर की लोकल साइट सींग के लिए यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन ऑटो। तो ऑटो में
घूम लोगे, एक तो है कि जल्दी हो भी जाएगी, दूसरी तो है कि पार्किंग की झंझट नहीं है, क्योंकि दिसंबर महीना ये देखो इधर का पीक सीजन है, तो पूरी पार्किंग स्लॉट्स वगैरह फुल रहती है। तो उसमें आप अगर गाड़ी लेके कैसे भी करके चले भी गए, ठीक है ना, तो एक बंदे को रहना पड़ेगा उधर, गाड़ी पार्क करो, ये करो वो करो, समटाइम्स गाड़ी मैंने जो भी अट्रैक्शन स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसके आजू बाजू में पार्किंग मिलती नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये बेटर है ना बॉस के एक वो ले लो, ऑटो ले लो, ऑटो से घूमो, ठीक है। तो एनीवेज दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी टूर ऑफ उदयपुर यस्टरडे। और अभी भी बहुत सारे स्पॉट्स बाकी है, देखो उदयपुर ठीक से घूमना है तो भाई एक महीना भी कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, तो वो एक है। लेकिन हाँ वही है, हम अपना तो भाई हम लोग टाइट शेड्यूल पे चलते हैं, तो जो है वो है, वैसे ही हम लोगों को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन मेन जो अट्रैक्शंस है, सिटी पैलेस घूम लिया, या फिर बहुत सारे अदर प्लेसेस जो आपको लास्ट एपिसोड में दिख ही गया होगा, ठीक है ना, तो वो हम लोग सब घूम लिए। और अभी जा रहे चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ इज़ ऑल्सो फेमस फॉर फोर्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो एनीवेज चलते आगे, हाईवे तो ऐसे ही है, चकाचक बना हुआ, चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। देखो हम लोगों ने दो दिन तक ड्राइविंग नहीं किया, तो बिंदास अभी फ्रेश हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक और चीज़ बताना भूल गया, वीडियो अच्छी लगी तो सीरीज़ आई होप आप लोग देख रहे हो अभी तक, तो वीडियोस अगर अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं जब भी नया वीडियो जब भी डालूंगा आप लोग वहाँ देखो। तो मेरे चैनल में तो वैसे ही ओनली ट्रैवल व्लॉग्स, तो मैं तो हर रोज़ तो ट्रैवल करूँगा नहीं, राइट, और इसीलिए आई एम प्रीटी लेजी इन दैट सेंस। अभी तो केरला वाली सीरीज़ भी शायद अब तक आ चुकी होगी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और या जब ये वीडियो लाइव जा रही होगी, तो केरला भी थोड़ा डिले हो गया, अब राजस्थान भी पता नहीं, ये तो 20 दिनों की ट्रिप है, ये पता नहीं कभी कर पाऊँगा मैं। एनीवेज टाइम लगा के करना पड़ेगा, देखते हैं, तो मिलते हैं आगे। ओके गाइस, अभी पहुंच गए हम लोग कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, और वहाँ पे एक गाइड हम लोगों ने हायर की है, वो भैया जा रहे हैं ना, ये जो मोटरसाइकिल पे है ये भाई, ये ब्लू शर्ट वाले भाई, ये तो ये हम लोगों की गाइड है। तो फोर्ट तक पूरी गाड़ी जाती है, तो बाइक वाले भैया अभी बाइक लेके जा रहे हैं, तो वो फिर फोर्ट में हमारे साथ गाड़ी में चले आएंगे। तो चित्तौड़गढ़ पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, उदयपुर से तो बिंदास हाईवे है पूरा, 6 लेन जैसे आप लोगों ने अभी देखा। तो चित्तौड़गढ़ की ये है ब्यूटी, बट गुड पार्ट इज़ गाड़ी जाती है तो हम लोगों को ज़्यादा पैदल वॉक नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो पूरा फोर्ट घूमने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हम लोग जो मेन पॉइंट है वो उसमें पूरी जो फोर्ट की एक राउंड हो जाती है, ठीक है, 12 किलोमीटर वो देर से 2 घंटा लाइट टाइम लगता है। फिर हम लोग तो सिर्फ सोचे भाई पूरा फोर्ट देखने से तो बेटर है कि मेन जो जगह है अट्रैक्शन की चीज़ है वो ही पहले देख लिया जाए, फिर सोचेंगे आगे, कुछ बाकी झुकी रह गया है तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो फोर्ट आगे दिख रहा है आपको पहाड़ी के ऊपर, तो दैट इज़ द फोर्ट, और अभी चलते हैं फोर्ट के अंदर, फिर मिलता हूँ। ओके सो ये हमारे भैया, नमस्ते, बोलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद कुमार है। ओके, गाइड हूँ मैं चित्तौड़गढ़ से। ओके, तो ये पूरा शहर है चित्तौड़गढ़ का जो देखे, जस्ट सामने जो दिख रहा है हमको ये चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट जो आगे, बिल्कुल यहाँ से ये शहर से चित्तौड़ का किले का जो हाइट है 600 फीट का है। हाँ। और समुद्र सतह से देखे तो 2000 फीट के हाइट के ऊपर किला बना हुआ है। अरे बाबा, बहुत ही बड़ा फोर्ट है अपने भारत के अंदर जो देखे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का जो देखे, के गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े यहाँ, यानी किला तो यही है, बाकी तो सारे छोटे दिखते हैं एक गढ़े हुए, एक एक दो दो किलोमीटर के किले है। तो पूरा 700 एकड़ भूमि की पहाड़ी के ऊपर पूरा किला आता है सर चित्तौड़गढ़ जो। अच्छा,
लगभग 2000 साल पुराना किला है चित्तौड़गढ़ का, जो देखे मौर्य साम्राज्य के समय का, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक के वंशज का ही था ये जो फोर्ट देखे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, 2000 साल वंशज का है सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, तो अभी ये फोर्ट है, आपने बताया कि 12 किलोमीटर ये है ना, किलोमीटर तो लंबाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है, 13 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री है, अच्छा। बिल्कुल चारों दीवार से घिरा हुआ है। अच्छा, जो देखिए पूरा किला 700 एकड़ भूमि के अंदर तीन हिस्सों में बटा हुआ है तो पूरा एक समतल पहाड़ी है, लेकिन ये तीन हिस्सों में बटी हुई है सर। पहला रेजिडेंशियल लिविंग फोर्ट है, लगभग 5000 लोगों की बस्ती है। अच्छा, रह रहे सर, पूरे मकान बने हुए किले पे। देखिए बीच में देखेंगे मंदिर है, महल है, पानी के कुंड आते हैं, और आखिरी में सेंचुरी बना हुआ है प्राणियों के लिए सर। तो बड़े बड़े लगभग 50 राजाओं ने राज किया चित्तौड़गढ़ पे ऊपर, जो देखे सर। हाँ। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल, शुरुआत तो बप्पा रावल से हुई थी इनकी। अच्छा, देखे बिल्कुल। अच्छा। मेवाड़ का सबसे पुराना किला है चित्तौड़गढ़। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारे राजाओं ने राज किया, 50 राजाओं ने चित्तौड़गढ़ पे जो देखे, और बहुत ज्यादा हमले हुए चित्तौड़ पे जो देखे सर। तो ये हम किले के नजदीक पहुंच गए सर। ये किले की बाउंड्री है जो देखिए, पुरानी बाउंड्री है किले की जो देखे सर। अच्छा, लगभग 700-800 साल पुरानी बाउंड्री है, और ये फर्स्ट गेट है हमारा किले का, पैडल पोल। अच्छा, 7 गेट आएंगे 1 किलोमीटर के अंदर। हमारे यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे, भगवान सूर्य के वंशज, राम के वंशज जो बताए जाते हैं। तो इसलिए 7 गेट बने हुए हैं, जो उनके रथ में 7 घोड़े थे। अच्छा, तो इसलिए 7 गेट बने हुए हैं। ये कुछ लोग रह रहे हैं अभी, पहले ये बाद में बसे हुए। अच्छा, ये जो देखिए, बाकी ओल्ड जो लोग बस्ती जो है किले के ऊपर है, ऊपर है सर। ठीक है, तो जी हम लोग अभी इधर पहुंच गए किले, हम लोग किले के फर्स्ट गेट में एंट्री हो गई। और ये भैया बता रहे हैं, विनोद जी बता रहे हैं कि गोविंद जी बता रहे हैं कि इसमें 1 किलोमीटर में 7 गेट आता है। तो चलते आगे देखते हैं क्या क्या है। और ये गाड़ी पूरी आपकी अंदर जाती है, तो आप अगर सेल्फ ड्राइव व्हीकल से आ रहे हो तो बिंदास ऐसे रास्ते से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम लोग एंटर कर रहे हैं पैलेस पे। तो ये फोर्ट के ऊपर बना हुआ, किले के ऊपर बना हुआ ये बहुत सबसे बड़ा पैलेस है। और इसका नाम क्या बताए? कुंभा पैलेस। तो ये हेरिटेज का पॉइंट है सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज एक सेंटर है। ये इसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। और अभी चलते हैं पैलेस के ऊपर। जिस पैलेस के अंदर जो अभी हमने एंट्री की थी ना, हाँ, उस जमाने में राजा के हॉर्स आते थे यहाँ से। बिल्कुल, अच्छा, ये अस्तबल है तो 7 सूर्य भगवान के रथ में पूजा के लिए तो हॉर्स यहाँ पर बांधे जाते थे, पूजा के लिए। तो यहाँ पे सारे घोड़े बांधे जाते थे। और ये जो एंट्री है, ये है घोड़ों की एंट्री। मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी, हर पैलेस के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी सर। ये क्या है? इसको बोलते हैं सूरज गोकड़ा। तब पूजा, बिल्कुल पूजा भगवान जब उदय होते थे ना, तो महाराणी जल चढ़ा के फिर दिन की शुरुआत होती। अच्छा, यहाँ नगाड़े बजते थे, ढोल नगाड़े। अच्छा, यहाँ पे ढोल नगाड़े बजते थे, पूजा होती थी सूर्य भगवान की। अच्छा, पार्क के अंदर बप्पा रावल ने इनको वहाँ तक खदेड़ के आए थे। अच्छा, वहाँ तक खदेड़ के आए थे। बप्पा रावल ऐसा राजा था जिनका कोप बहुत था इनमें, अफगान क्षेत्र से जाने वाले जो आक्रमणकारी थे उनका जो देखा। तो वहाँ पर एक क्षेत्र है गजनवी, जहाँ से जो निकले थे सारे। अच्छा, वहाँ पे राज हुआ करता था बप्पा रावल गजनवी। आने वाले लगभग 300-400 साल तक कोई भी अफगानी, बलूचिस्तानी ये वहाँ पर नहीं आ पाए। बलूचिस्तानी भी आते थे, इतना कोई नहीं आ पाया था भारत के अंदर। बप्पा रावल का इतना खूब, बप्पा रावल की भी जो बताई जाती है कि 7.5 फीट हाइट था बप्पा रावल। बाबा, 2 से 2.5 फीट उनका वजन था। 32 गज की तो पगड़ी बांधते थे, 52 गज की धोती पहनते थे। काबुल, अफगान, बलूचिस्तान, रावलपिंडी, गंधार तक जो था उनका राजपाट बप्पा रावल। बहुत ही ग्रेट राजा, अपने आप को राजा नहीं मानते बप्पा रावल, राजा नहीं मानते थे अपने आप। अच्छा, मेवाड़ के राजा, वो भगवान एकलिंग को राजा मानते। अच्छा, तो हम तो देखो उसके दीवान है, हमारे तो राजा एकलिंग जी यहाँ के राजा थे, और बहुत ही ग्रेट राजा थे उसको लेकर जो देखें। तो ये जो आप देख रहे हो पैलेस नहीं बोलूँगा, हाँ वही है। तो ये जो सारा सब कुछ जो टूटा फूटा पड़ा है, ये अकबर ने जब यहाँ पे हमला किया था चित्तौड़गढ़ में। सामने का जो सब 3 मंजिला की बिल्डिंग, हाँ, हाँ, वो संत मीराबाई का है। ये मीराबाई का है, मीरा का ससुराल है, उनका माई का पुष्कर मेड़ता है, तो वहाँ पे मीरा जी रहती थी। और हाँ, एक दासी थी, सिर्फ पन्ना भाई।
तो यहाँ ये जो सारा ऐसे दिख रहा है ना, ये सभी एक रूम हुआ करती थी। और भैया बोल रहे हैं कि ये पहाड़ी के एकदम नज़दीक है ना, तो यहाँ से बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती थी। और ये है लोग यहाँ पे रहते थे, और राजा रानियों की वो जो दिख रही है वहाँ पे। और ये सारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था जब अकबर ने यहाँ पे हमला किया था, और बहुत भयंकर हमला हुई थी, और ये सारा सब कुछ तबाह हो गया उसी 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 हमले में। तो भैया बता रहे थे हिस्ट्री, तो ये ना ऐसे वीडियो पे नहीं बताया जा सकता, ये आपको इधर आके फील करना है, फील करने के बाद ही आपको पता चलेगी कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हुआ करती थी रूम उस ज़माने की, और क्या मार्वलस आर्किटेक्चर है आप देख सकते हो। और ये हम जा रहे हैं रूम के अंदर। ये उस ज़माने की जो देखी, ये पूरी रूम हुआ करती थी। घर आप देख रहे हो, ये सभी उस ज़माने की है। कुछ सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। तब ये भगवान विष्णु का जो अवतार था ब्रह्म अवतार, उनका मंदिर हुआ करता था। सर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, सारे राजा इसकी पूजा करते थे भगवान विष्णु भगवान के ब्रह्म अवतार। तो अभी हम लोग आए विजय स्तंभ, तो ये आगे दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को टाइम चाहिए होगा, तो चले दिखाते हैं विजय स्तंभ और यहाँ के कुछ सिनेमैटिक्स। रानी पद्मावत की जौहर वाली जो जगह है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़े पूरे आप पढ़ सकते हो। तो ये जो जगह है ये है रानी पद्मावती की, जहाँ पे उन्होंने जौहर किया था। जौहर यानी के जब राजा महाराजाओं की युद्ध होती थी, और महारानियाँ और राजा को लगता था कि महारानियों की माने उनकी हार हो जाएगी, राजाओं की हार हो जाएगी, तो उनकी जो पत्नियां थी, धर्म पत्नियां थी, उनके उनकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि हम दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगे, तो हम लोग आग के अंदर कूद जाएंगे। तो ये पद्मावत मूवी में भी लास्ट सीन में यही दिखाया गया था। तो ये जो जगह देख रहे हो इसे जौहर स्थल कहते हैं, और ये 80 फीट गहरा है। तो जब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के हाथ लगा, तब इन्होंने ये खोदी थी, और इसके नीचे से राख और माने हड्डी और गहने मिले थे। तो वो दे एक्चुअली बेरिड दैट डाउन। और वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से और यहाँ से हियर, तो ये सारे महिलाएं यहाँ पे आती थी, यहाँ पे घी वी डाल के यहाँ पे आग जलाई गई थी, और
सारे महिलाएं इधर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में जौहर किए थे। तो यहाँ पे एक मेला लगता है, जौहर मेला बोलते हैं, जिस जो मार्च के महीने में लगाया जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे यहाँ पे बेसिकली उदयपुर और ये जहाँ पे आजू बाजू में जो भी राजाएं हैं उस सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये है रानी पद्मावती की मूर्ति, अष्टधातु से बनी हुई। तो ये है वो गौमुख जहाँ से पानी 1500 साल से आ रही है। तो ये है वो कुंड जो कि एक्चुअली पीने के पानी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और ये ऐसा है कि बेसिकली ये जगह कभी सूखती नहीं, जितनी भी बाढ़ आए, बारिश का मौसम रहे कि मान लीजिए सूखा का मौसम रहे तो ये कभी नहीं सूखता। विजय स्तंभ देखने के बाद अभी यहाँ पे चल रही है नींबू पानी, ठीक है। तो भाई इस जगह का जो हिस्ट्री है इट्स एक्चुअली क्या ही बताओ यार, इधर आके फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी जगह की हिस्ट्री और यहाँ पे इतनी लोगों की मौत, इतनी युद्ध देखे हैं इधर, ये सारे ये यहाँ के जो रहने वाले हैं ना उन लोगों ने, फोर्ट में जो रहते थे वो, यहाँ के महाराजाओं ने कैसे बचाया ये ज़मीन, ये सभी आके ना इधर फील करना है। तो एनीवेज मैं देखो जितना भी वीडियो में बताऊँ तो कम ही पड़ेगा, आप लोगों को आके देखना पड़ेगा ये जगह एक बार राजस्थान ट्रिप प्लान करनी है, हेरिटेज वाली जो टूर होती है वो, ठीक है। आगे अभी लेते हैं, थोड़ी सांस चढ़ रही है, इतना ऊपर नीचे किया हूँ ना, सांस चढ़ रही है। तो अभी लेते हैं एक छोटे से नींबू पानी ब्रेक, फिर मिलता हूँ आगे। तो ये है पद्मिनी पैलेस, कैसे एंट्री हुई हमारे रानी के महल में, पद्मिनी के में। ये पूरा बगीचा है पद्मिनी महल का, ये जो पेड़ दिख रहा है ट्री आपको, हाँ 300-400 साल पुराने पेड़ है। खाने पीने की दिक्कत आ रही थी, तो अलाउद्दीन क्या है कि एक छल कपट भी था सर, तो राजा को एक संदेशा पहुंचाया कि मैं यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ने नहीं आया, सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए आया हूँ। तो राजा उसको मेहमान नवाजी के लिए लाए और जिस रूम में रुके थे ना। तो ये रानी पद्मावती की महल है, जल महल, यहीं पे उनको खड़ा किया गया था। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को ये रूम पे कहीं पे एक मिरर था, वहाँ से उसकी परछाई देखी। तो यहाँ से अलाउद्दीन आए थे, तो इसका नाम है सूरज पोल। सूरज पोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सनराइज़ को फेस करता है, तो प्रॉब्ली दिस इज़ द ईस्ट। और ये किले में घुसने के लिए ये मुख्य द्वार हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन ने ये देख लिया था और राजा ने इसको बंद करवा दिया था। तो यहीं से अलाउद्दीन सभी जो घोड़सवार राजाओं की घोड़सवारी होती थी, तो वो घोड़े सभी यहीं से आके इधर किले में आते थे। तो अलाउद्दीन भी यहीं से आया था, अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए भी यहीं से गए थे। और थोड़ी दूर पे जाके अलाउद्दीन ने राजा को बंदी बना लिया था। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हुआ करती थी बैटल ग्राउंड, ठीक है। तो सारे युद्ध जो लड़ी गई यहाँ पे, मेन इम्पॉर्टेंट, वो इसी ग्राउंड पे लड़ी गई है। तो ये थी जी इधर का हिस्ट्री। तो भाई चित्तौड़गढ़ से हम बाहर आके यहाँ पे हाईवे उदयपुर के हाईवे पकड़े और हम लोग आके इधर ये जगह पे, ये कोई जगह जस्ट हाईवे के ऊपर ही है, तो हम लोग लंच करने के लिए रुके। तो कुछ हल्का फुल्का लंच करेंगे। अभी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15:38, यानी कि 3:30 बज चुका है। तो लंच करेंगे, लंच करने के बाद अभी होटल में चल के फिर सोचते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट अबाउट 7:30 इन द इवनिंग और हम लोग आ चुके हैं वापस चित्तौड़गढ़ से। घूम घाम के पूरा बहुत सही फोर्ट दिखा, ठीक है।
और मैंने क्या बोलता हूँ वो हिस्ट्री में वो जो है ना गूज बम्स, वो तब तो आई आई कुड रियली फील यू नो हाउ द महाराजाज वुड हैव फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये युद्ध वुद्ध की बात हो रही थी, वो अकबर और वो क्या नाम था उसका, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उस टाइम के ज़माने का जो भी सब स्टोरी वोरी हुआ था ना, वो हम लोगों ने अभी देखे, तो यार बहुत बहुत मैंने क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। और अभी आ गया हूँ होटल वापस, ठीक है, और आज है डिनर में स्पेशल, क्या है पता है, आज है डिनर में पुलाव, पुलाव और लाल मांस। सो आज ये चौथा दिन है ना ट्रिप का, 4 दिन से मैं वेज ही खा रहा हूँ, ठीक है, ये तो हिस्टोरिकल चीज़ हो गई। 4 दिन से एक बंदा जो आज तक कभी वेज मैंने नॉन वेज बिना नॉन वेज का एक दिन नहीं खाया है, वो 4 दिनों से वेज पे जिंदा है, ठीक है। तो यार इस बात पे लाइक और शेयर ठोको, ठीक है, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, अभी नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो आप लोग देखोगे नहीं तो बेकार हो जाएगी पूरी चीज़, तो बेटर है इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। शांति से बैठ के अभी डिनर विनर खा के पूरा सो जाएंगे, कल जाएंगे थोड़ी बहुत उदयपुर की जो साइट सीइंग बची हुई है ना वो वाली चीज़ ख़त्म करनी है। तो मिलता हूँ कल के ब्लॉग पे, कल वैसे भी कोई ड्राइव नहीं होने वाली, आज तो खैर ड्राइव है, कल जैसे फिर से रेस्ट डे, नो ड्राइविंग डे, हम लोग कल एक ऑटो हायर करके इधर उधर घूम देंगे, ठीक है, और सब दिखाते हैं आपको कल के ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, अंटिल देन बाय बाय।